निर्मल महतो पार्क में महापौर रोशनी तिर्की ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। महापौर ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का प्रस्तुत किया रिपोर्ट कार्ड। हजारीबाग नगर निगम महापौर रोशनी तिर्की ने सोमवार को निर्मल महतो पार्क में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर महापौर रोशनी तिर्की ने अपने कार्यकाल के दौरान नगर निगम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। महापौर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,799 योजनाओं की स्वीकृति देते हुए उनके आवास का निर्माण कराया गया। साथ ही एक योजना के तहत नगर निगम की ओर से कोलघट्टी क्षेत्र में 288 फ्लैट लोगों को उपलब्ध कराया गया। महापौर श्रीमती तिर्की ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 3,50,000 की लागत से 16 लाइट भी लगाया गया। साथ ही साथ 7,302 एलईडी लाइट मंगवाकर क्षेत्र के 36 वार्डों के गलियों के साथ साथ सड़क में भी लगाया गया। बताया कि अभी 2,730 एलईडी का ऑर्डर दिया गया है, जिसे जल्द ही मंगवाकर नगर निगम क्षेत्र में लगाया जाएगा। मौके पर महापौर ने कहा कि कोविड के कारण पूरे देश में विकास कार्यों में काफी असर पड़ा और इससे हजारीबाग भी अछूता नहीं रहा। कहा कि कोविड काल में विकास कार्यों की गति धीमी रही, लेकिन इसके बाद तेजी से नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य किए गए। महापौर ने बताया कि 14वें वित्त आयोग की राशि से नगर निगम में कई विकास के कार्य किए गए। बताया गया कि 15वें वित्त आयोग के तहत 5,94,62,000 से अधिक की राशि खर्च की गई। इसके राशि से नगर निगम क्षेत्र में 5 पार्कों का निर्माण किया गया, जिसमें जबरा पार्क, सारले पार्क, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क, मीठा तालाब पार्क सहित एक निर्माणधीन पार्क शामिल है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मीना प्रजापति, सोनी छेत्री कृष्णा, अनिल प्रसाद, मोना देवी, विजय प्रसाद, मिथिलेश सिंह, राजेश सिन्हा, रसिका लाल, फिरोज आलम, विकास यादव, पार्षद प्रतिनिधि टिंकू खान, पार्षद प्रतिनिधि राजीव सिंह, पार्षद प्रतिनिधि रंजीत कुमार, तारा देवी, सत्यभामा, विधायक प्रतिनिधि, मीडिया प्रभारी रंजन चौधरी सहित कई वार्ड पार्षद एवं मीडियाकर्मी उपस्थित थे। कितने रुपए खर्च किया गया है? देखिए, 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने बहुत सारे विकास काम किए हैं। जहां तक हम लोग 5 साल में नागरिक सुविधा मद से 13,41,31,804 रुपए की राशि से हम लोगों ने ये नागरिक सुविधा से नाली का निर्माण कराया। वहीं शहरी परिवहन से हम लोगों ने 12,81,96,226 रुपए की लागत से हम लोगों ने PCC पथ बनवाया। और वहीं पर हम लोगों ने 14वें वित्त से अलग अलग तरह के काम किए, जिसमें टोटल हम लोगों ने 11,57,05,447 रुपए की लागत से हम लोगों ने ये काम किया। और फिर हम लोगों ने 15वें वित्त में 6,55,09,116 रुपए की राशि से हम लोगों ने जो निगम में जो JCB ट्रैक्टर होते हैं ये सब हम लोगों ने खरीदा। और फिर योजना में हम लोगों ने 44 योजना किया, उसमें 13,10,09,036 रुपए खर्च हुए। और साथ ही हम लोगों ने 15वें वित्त की राशि से 5 अमृत पार्क का निर्माण करवाया। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 5,799 आवास जो है वो 5 साल में स्वीकृत करवाए। और वर्टिकल 3 में कोलघट्टी में जो है 288 आवास का निर्माण कराया, जो भूमिहीन लोगों के लिए है। और इसके साथ ही हम लोगों ने 7,302 LED लाइट लगवाया। और अभी 3,000 लाइट की और मांग की गई है, विभाग से भेजा नहीं गया है, जो जल्द ही आने की उम्मीद है। और इसके अलावा हम लोगों अभी जिरेडा के माध्यम से सोलर लाइट अभी 10 लगे हैं, और कुछ जगहों पर और 10 जगहों पर हाई मास्ट लाइट लगने वाले हैं।